नमस्कार, मैं साहिबा बानो बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत करती हूं। चलिए बढ़ते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों की ओर। झांसी में अखिल भारतीय साहित्य और जन कल्याण समिति के तत्वावधान में होली के अवसर पर होली के रंग काव्य के संग कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें एक से बढ़कर एक काव्य रचनाएं की प्रस्तुति की गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुल सचिव नारायण प्रसाद और विशिष्ट अतिथि क्षेत्रीय पुरातत्व अधिकारी डॉक्टर एस के दुबे, राजकुमार अंजुम, अजीत राय व पन्नालाल असर रहे। अध्यक्ष जितेंद्र सिंह यादव ने की कार्यक्रम की शुरुआत प्रकृति शर्मा की सरस्वती वंदना से हुई। इस अवसर पर हयारण दर्द दीपशिखा शर्मा, रवि ठाकुर, शैलेंद्र बुदौलिया, हलीम राणा, रविंद्र परमार, नौशाद सोहेल, राहुल दुबे, राकेश सहित कई लोग मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। शेर दिल ये हमारा साहित्यिक उद्देश्य है, जो हमारे बुंदेलखंड और झांसी में हम लोग करते आ रहे हैं पिछले 5 सालों से। उसी उपलक्ष्य में किया। हमारी जो संस्था है अखिल भारतीय साहित्य एवं जन कल्याण समिति, उसके अंतर्गत करते आए हैं और आज भी लगभग 30-35 लोगों का सम्मान है और सभी का कविता पाठ, शायरी ये सब होगी। बड़े पैमाने पर पूरे देश के साहित्यकार जुड़े थे। राष्ट्रीय साहित्य सम्मेलन हमारे दिल से दिल साहब, हमारी सीमा सिंह जी, अब्दुल जब्बार शारिफ साहब, इनके सबके सम्मिलित प्रयासों से ये कार्यक्रम बहुत सफल रहा और उसी सिलसिले के एक कड़ी के रूप में आज ये होली के रंग उन्वान से शीर्षक से ये कवि सम्मेलन आज आयोजित किया गया है। बहुत अच्छे कार्यक्रम हमेशा आयोजित करते रहते हैं दिलसेठ जी, उसके लिए उनकी टीम को और उनको बहुत मैं बधाई देता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ। कम से कम साहित्य की अलग एक ज्योति जो है। और ये हमारा 5वां प्रोग्राम था। हिंदुस्तान के बाहर के बहुत बहुत मशहूर शायर हम लोग बुलाते हैं और 13 और 14 हम लोग फरवरी की डेट लगते हैं इसमें करते हैं ये प्रोग्राम हर साल। अभी हम लोगों ने बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था तो उसमें हिंदुस्तान के मुख्तलिफ शहरों से बहुत मशहूर शायर यहाँ तशरीफ लाए थे और कभी, और हम लोग आगे भी ये प्रोग्राम करते रहेंगे और साहित्यकारों से ऐसी सेवा करते रहेंगे।